तो क्या हाल चाल है बच्चा पार्टी। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार, स्वागत करता हूं आज के इस तड़कते भड़कते वीडियो में, जो कि किस चैप्टर के ऊपर बेस बेटा, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। जी हाँ गुरु जी, जी हाँ गुरु जी। अच्छा, आज की इस क्लास में हम बहुत बेहतरीन चीज पढ़ने वाले हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम बनता ही बनता है, किसके अंदर? एग्जाम के अंदर। और वैसी बात है, क्वेश्चन एग्जाम में तो आएगा, घर में तो आएगा नहीं, है ना। चलो देख लेते टॉपिक का नाम क्या भाई। टॉपिक का नाम एक बार डिस्कस कर लेते बड़े प्यार से, और इस टॉपिक को मैं यहाँ पे बोल्ड में लिखना चाहूंगा। जी हाँ, बोल्ड में, डेट इज ऐसे ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं क्या बोलूंगा, हाँ डेट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन, मेरे बच्चे क्या आएगा, ड्रॉइंग्स। जी हाँ, क्या बोला मैंने यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन क्या, ड्रॉइंग्स। ये मेरा क्या है बोलो, अगला सा प्यारा सा नन्ना सा क्या कॉन्सेप्ट है, डेट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, ठीक है, आओ ध्यान सुनो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैं आपको मोटे मोटे तौर पे एक बात समझाऊं। यार एक बात सुनो, जब मालिक ने पैसा लगाया तो मालिक क्या बोलता है, भाई मुझे रिस्क फ्री इंटरेस्ट चाहिए मेरा। और वो रिस्क फ्री इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। मतलब ये कि मालिक कहता है, भाई एक बात हो, बिजनेस में जो मैं पैसा लगा रहा हूँ उस रिस्क के बदले मुझे क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन अगर ये पैसा मैं बिजनेस में ना लगा कर कहीं और लगाता, बाहर लगाता, FD करा लेता, बैंक में जमा कर देता, तो मुझे शायद 8-10% का एक ऐसा इंटरेस्ट मिलता जिसके अंदर मेरा कोई रिस्क नहीं होता। तो बोलता है बिजनेस से कि भाई मेरा क्या रहा, लॉस हो रहा है ना, उस रिस्क फ्री इंटरेस्ट का मेरा लॉस हो रहा है, तो एक काम करो भाई, उसके बदले मुझे क्या दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। तो बिजनेस क्या देता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है। तो बिजनेस भी मालिक से कहता है कि भाई तू अपने पर्सनल पर्पस के लिए, अपने पर्सनल पर्पस के लिए हमारे बिजनेस में से पैसा निकालता है, तो तू हमें क्या दे उसके बदले, हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे। क्या दे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो मालिक कहता है, यार कैसी बात कर रहा है, हमारे बीच में पैसा कैसी बात है। कहता है मालिक, फिर बिजनेस कहता है मालिक से, भाई पैसा तेरे मेरे बीच में कोई बात तो नहीं है, लेकिन एक बात सुन, जो पैसा तूने अगर मेरे बिजनेस में निकाला है, जो पैसा तूने बिजनेस में से निकाला है, अगर इस पैसे को मैं तेरे को ना देकर किसी और को देता, बाहर वाले को, तो शायद मैं उससे तो ब्याज लेता। कह रहा हाँ यार बात तो सही है। और जो पैसे तू हमारे यहां से निकाल रहा है, अगर ये पैसा तुम हमारे बिजनेस में से ना निकाल कर किसी बैंक से लोन लेता, तो शायद तुझे वहां भी ब्याज देना पड़ता। कहता हाँ यार बात तो सही है, तो फिर हमें दे देना ब्याज, क्या दिक्कत है, बैंक को तो 10% देता, हमें 6% दे दे, 5% दे दे, 4% दे दे, 8% दे दे। और इस चीज को हम लोग कहां मेंशन करते हैं, पहले से ही मेंशन कर देते हैं, किसके अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन कर देते हैं। तो इसी बात पे आइए, चैप्टर को हम ठोकेंगे महाकाल के नाम पे, डेट इज कॉल्ड का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शुरुआत करते हैं, ठोको। जी हाँ, डबल आंसर। क्या कहता है बेटा वो, हमारे से कहता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग। जी हाँ, इसके अंदर हम दो चीज पढ़ेंगे मेनली, कितनी चीज, दो चीज। इसके दो मेथड है, सुनो ध्यान से, कैसे मेथड है, दो मेथड, दैट इज टू मेथड। पहला जो मेथड है उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट मेथड। क्या बेटा, जी हाँ प्रोडक्ट मेथड, ठीक है मेरे भाई। और जो दूसरा मेथड है दैट इज कॉल्ड क्या मेरे बच्चे, हाँ एवरेज मेथड। क्या बेटा, एवरेज मेथड, ठीक है मेरे बच्चे। अब जरा थोड़ी सी मेरी बातचीत को ध्यान सुनना, ये प्रोडक्ट मेथड कहां लगता है और ये एवरेज मेथड कहां लगता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको चीज बता दूं कि दोनों के जो कैलकुलेशन है वो बहुत सिंपल है, सरल है, और क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ द टाइम आता जाता है। तो इसको आपको बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना, इसकी इंपॉर्टेंस को कम नहीं करना, इसकी महानता है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं, 12th में हम आ गए, हम तो बादशाह हैं और सारे हमारे गुलाम हैं। तो बादशाह बेटा तुम नहीं हो, बादशाह क्या अकाउंट्स है, कॉमर्स के अंदर सबका बादशाह, ठीक है। आ जाओ, हमारे पास क्या रखा है, दो मेथड है, जो कि हमारे पास ये रहा पहला, देयर आर द टू मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विच आर एक्सप्लेन एज फॉलोस। हमारे पास दो मेथड है जो कि हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। कौन सा है, पहला मेथड है प्रोडक्ट मेथड। जी हाँ, आप सुनो सबसे बड़ी बात क्या, कि प्रोडक्ट मेथड कहां पे लगता है, कैसे लगता है, क्यों लगता है। आ जाओ, कहता है इसको कैलकुलेट करने का कि दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन ड्राइंग ऑफ सेम अमाउंट। कब, ड्राइंग ऑफ सेम अमाउंट और डिफरेंट अमाउंट आर विदड्रॉन एट इरेगुलर इंटरवल। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, गुरुजी क्या बोल दिया, मैं बताता हूं कैसे। देखो ये मेथड कब लगता है, चाहे सेम अमाउंट हो, सेम अमाउंट नहीं मतलब अमाउंट चाहे इक्वल हो, यानी कि इक्वल अमाउंट हो और क्या हो, अनइक्वल हो, अनइक्वल हो, ठीक है, अनइक्वल क्या हो, अमाउंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस साथ में क्या होना चाहिए, हाँ इरेगुलर, क्या बोला मैंने, इरेगुलर इंटरवल, इरेगुलर मैंने बोला क्या बताओ, इंटरवल्स, इरेगुलर इंटरवल्स बोल लो, या फिर मेरे बच्चे क्या बोलो,
अनइक्वल क्या इंटरवल, मतलब मैं समझाता हूं मतलब क्या है। मतलब यह है कि प्रोडक्ट मेथड तब अप्लाई होता है जब अमाउंट चाहे भले इक्वल हो या फिर अनइक्वल हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 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 इंटरवल जो होना चाहिए डेट इज कॉल क्या, मस्ट बी, क्या लिखा मैंने, मस्ट बी। मतलब यह है कि इनके बीच का जो गैप है, टाइम गैप है किसका, ड्राइंग्स का, सुनना सुनना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, टाइम गैप बिटवीन टू क्या, कॉन्टिन्यूस ड्राइंग, टू क्या लिखा यहां पे, कॉन्टिन्यूस क्या, ड्राइंग्स आर अनइक्वल, क्या आएगा, अनइक्वल। मतलब ये हो गया, कहने का सिंपल सेंस ये है कि जो ड्राइंग्स के बीच का जो टाइम गैप है वो क्या हुआ, अनइक्वल होगा। सर समझ में नहीं आ रहा, समझाओ सही से, प्रॉपर तरीके समझाओ, प्रॉपर तरीके समझाओ, सुनो ध्यान से मेरी बात, सुनो दो कैसे आ जाओ। जैसे मान लो मैं आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल, सुनना बहुत ध्यान से मेथड का, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको डेट ऑफ ड्राइंग, क्या लिखा मैं यहाँ पे, जी हाँ, डेट ऑफ क्या, ड्राइंग्स, ठीक है। मान लीजिए मैंने पहली ड्राइंग कब निकाली, सर मैंने निकाली 1 मई 2022 को, फिर मेरे बच्चे में निकाली 1 जुलाई 2022 को, फिर मैंने निकाली 1 8 2022 को, फिर मैंने निकाली सीधे 1 11 2022 को, और फिर मैंने निकाली क्या 1 फरवरी 2022 को, ठीक है, 2022 को, ठीक है, ठीक है, एक मिनट देना भाई। हाँ जी कुछ नहीं, चाय वाले भैया आए थे, अब ध्यान सुनो मेरी बात को, क्या कहता है सर, देखो ध्यान से, आपने देखा होगा यहाँ पे 5 के बाद सीधा 7 है, यानी कि कितने महीने, 2 महीने, फिर यहाँ पे क्या हुआ, 1 महीने गैप, फिर यहाँ पे कितने महीने गैप है, 8 9 10 3 महीने गैप, फिर यहाँ पे कितने महीने गैप है, 11 12 1 3 महीने गैप। तो यानी कि आपने देखा कि यहाँ पर टाइम गैप कैसा है, अनइक्वल है, अनइक्वल का मतलब यहाँ पे बराबर नहीं है, समय किसी में 2 महीने गैप है, किसी में 3 महीने गैप है। तो इसका मतलब ये हो गया, जब ड्राइंग्स के बीच में, सुना था ध्यान से मेरी बात को, जब ड्राइंग्स के बीच में टाइम गैप कैसा होगा, अनइक्वल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट मेथड। तो ध्यान से देखो, यहां पे यही बात तो समझाई गई है कि जब अमाउंट चाहे भले सेम हो या सेम ना भी हो, सुना ध्यान से मेरी बात को, अमाउंट चाहे भले ही सेम हो चाहे ना भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंटरवल क्या होना चाहिए, मस्ट बी क्या होना चाहिए, अनइक्वल, यानी टाइम गैप कैसा होना चाहिए, अनइक्वल होना चाहिए। तो हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट मेथड, ठीक है ना। अच्छा प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे, और प्रोडक्ट मेथड में भी हमारे पास क्या है, देखो दो मेथड है, कौन कौन से, एक है सिंपल मेथड, ठीक है मेरे भाई, ना सुना, एक क्या बच्चे सिंपल मेथड, दूसरा कौन सा है, प्रोडक्ट मेथड। पहले हम लोग प्रोडक्ट की बात, जो प्रोडक्ट की जो बारी है, मतलब बाद में करेंगे प्रोडक्ट की जो बात, हम लोग क्या करेंगे बाद में करेंगे, फिलहाल हम किसकी बात करें, यहाँ पे सिंपल मेथड की बात करेंगे। क्या था हमारे से, इन दिस मेथड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ईच सिंगल का ड्राइंग अमाउंट, यानी कहने का क्या हो गया, कहने का यह है कि हम इसके अंदर प्रत्येक ड्राइंग्स का अलग अलग क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। फॉर सच कैलकुलेशन पीरियड फॉर विच अमाउंट हैज बीन यूटिलाइज इस क्या आएगा, टू बी कंसिडर्ड, मतलब यानी कि कहने का अर्थ है, इस लाइन का मीनिंग यह है कि जो अमाउंट हमने निकाला है उसको हम क्या निकालेंगे, पीरियड निकालेंगे कि हमने उस अमाउंट को कितने समय के लिए क्या करा है, यूज किया है एक फाइनेंशियल ईयर में। ये तो बात थ्योरी की होगी ना, अब तुम करो गुरुजी क्या बोल रहे हो, एग्जाम्पल से समझाओ तो समझ में आएगा। तो ले मेरे भाई आज एग्जाम्पल देख ले, इस मेथड को हम लोग क्या नाम देंगे सर, दैट इज कॉल्ड मेरे बच्चे हमारा सिंपल मेथड, क्या बोलेंगे हम लोग, सिंपल, इसे हम बोलेंगे सिंपल मेथड, ठीक है मेरे बच्चों, आ जाओ शुरुआत करते हैं इसकी। सिंपल मेथड देखो क्या कहता है हमारे से, देखिए मैं लाइनें खींच रहा हूं यहां पे ऐसे, एक, फिर मैंने ले लिया यहां पे एक, दो, फिर मैंने ले लिया छोटा सा क्या, तीन, एक मिनट इसको बात फिगर दो, ये छोटा सा लूंगा, चलिए आओ मेरे बच्चों। अब देखो, अब सुनो बड़ा मजा आने वाला, देखो क्या कहता है हमारे से, कौन सा कलर लू, इंडिया ले लेता हूं, देखो डेट ऑफ ड्राइंग हो गया, यहाँ पे मैं क्या लूंगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग, दैट इज मेरे बच्चे क्या कहेगा, अमाउंट ऑफ क्या बेटा, ड्राइंग्स, ठीक है। और मैं यहां पर आया बच्चे क्या, पीरियड, क्या यहाँ पे, पीरियड,
पीरियड, ठीक है। अब पीरियड कैसे, हमारा फाइनेंशियल ईयर मान लो एंड कब हो रहा है, 31/3/2023 को, ठीक है। 31/3/2023 को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, मतलब कि ये हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है ना वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का है। तो यहां पे लिख लेता हूं, यहां पे दैट इज क्या कि फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31/3/2023 और रेट ऑफ इंटरेस्ट, जी हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन क्या आएगा, ड्रॉइंग्स, मैंने कितना मान लिया 6% पर एनम, जी हाँ, पर एनम का मतलब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड इट्स यूज। चलो मेरे भाई आ जाओ, चलिए देखिए क्या कहता है हमारे से। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कितने रुपए निकाले, 8,000 रुपए निकाले। मान लीजिए मैंने फिर से कितने निकाले, 8,000 रुपए निकाले। देखो अमाउंट क्या हो गया, सेम हो गया, लेकिन अगली बार मैंने कितने निकाले, 7,000 निकाल दिए। फिर मैंने कितने निकाल दिए, 4,000 निकाल दिए। फिर मैंने कितने निकाल दिए, मान लो 5,000 रुपए निकाल दिए। ये एग्जाम्पल चल रहा है बच्चे का, चल रहा है एग्जाम्पल, ठीक है, 8, 8, 7, 4, 5। अब आप जरा ध्यान सुनो कि मैं यहां पे चेक करूंगा कि मैंने किस अमाउंट को कितने समय के लिए क्या करा है, यूज किया है। फ्रॉम डेट ऑफ क्या, विदड्रॉ, फ्रॉम डेट ऑफ विदड्रॉ, मतलब ये हो गया कि मैंने 8,000 रुपए के अमाउंट को कब निकाला है, 1/5/2022 को निकाला। तो यानी कि मई का महीना पूरा हो गया, क्योंकि 1 तारीख को निकाला मैं, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गया 9 और 2 11 महीने, जी हाँ। यानी कि मैंने इस अमाउंट को पूरे कितने महीने यूज किया है, जी हाँ 11 महीने। कितने महीने यूज किया मैंने, 11 महीने, ठीक है। उसी प्रकार से अला अमाउंट 1/7 को, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 पूरे कितने महीने यूज किया मैंने, 9 महीने, ठीक है। उसके बाद ये 8वां महीना है, तो 8वें महीने शुरू में, तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 ये कितने महीने यूज किया मैंने, 8 महीने, ठीक है भाई। उसी प्रकार से 1/11 को निकाला, तो 11, 12, 1, 2, 3 यानी कितने महीने हो गया, 5 महीने। और अंत वाला 1 फरवरी को निकाला, यानी कितने महीने हो गया, 2 महीने। इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन क्या आएगा यहां पे, ड्रॉइंग्स, क्या आएगा, ड्रॉइंग्स। चलो जी आ जाओ, देखो ध्यान से करना कैसे, आ जाओ करना ऐसे कि आपने लिया 8,000 रुपए, 8,000 रुपए ले लिया, सर रेट कितना है, 6% का है, और इंटू में कितने बटे 12, सर 11/12, क्यों 12, मतलब 12 महीने में से आपने इस ड्राइंग के अमाउंट को कितने महीने यूज करा, 11 महीने यूज किया। तो ले मेरे भाई अगला, गुरुजी अगला है 8,000 रुपए, ठीक है, कितना आ गया, 6/100 आ गया गुरुजी, फिर कितना आ गया, 9/12 आ गया गुरुजी, लो जी लो सिंपल। अगले वाला सर, अगला आ गया 7,000 रुपए, गुणा में 6/100 और गुणा में कितना आएगा, 8/12, फिर क्या आएगा गुरु जी, 4,000, ठीक है, गुणा में कितना आएगा, 6/100 और कितना आएगा, 5/12, फिर मेरे बच्चे क्या आएगा, 5,000 गुणा में 6/100 और 2/12। तो ये मेरे बच्चे क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी बात है, अमाउंट इंटू में क्या आएगा, रेट, और इंटू में क्या आएगा, टाइम फॉर विच इट इज यूज। 12 महीने में कितने महीने, 11 महीने, समझा, क्यों समझे। चलो जी आ जाओ, आओ अब इसकी कट्टन पट्टी करते हैं, देखो कट्टन पट्टी करता हूँ, कट्टन पट्टी करता हूँ, मुझे कट्टन पट्टी करना बड़ा मजा आता है। देखो जी भाई, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 6 2 12, सेम यहाँ पे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 2 12, 1 0 1 0, 6 2 12, 0 0 0 0, 6 2 12, 0 0 0 0, 6 2 12। अब आ जाओ मेरे अच्छे से, करना क्या तुम्हें, बहुत सिंपल सा काम करना है आपको, बहुत सिंपल सा, बस छोटा मोटा गुणा भाग। देखो क्या हुआ यहाँ पे, सर 2 से कट गया 2, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 2 से कट गया कितना, ये 2 2 4, इस 2 से कट गया ये 2 4 8, इस 2 से कट गया ये बेटा कितना आया, 40, और इस 2 से ये कट गया बेटा कितना आया, ये भी 40। तो आ जाए मेरे भाई मल्टीप्लाई कर, जब तुम मल्टीप्लाई करेगा मेरे बच्चे, दास सुन, जब तू क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, 11 6 44 यानी कि 440, फिर क्या आएगा, यह आएगा 40 निम्मा यानी कि 336, फिर आएगा 4 7 28, फिर क्या आएगा 5 2 10,
फिर क्या आएगा 50, क्या आएगा 50, टोटल करें आ जाओ कितना होगा, देखो ये आएगा 0, 8, 5, 13, 13 और 6, 19, 4, 19, 4, 23 का 3, हासिल लगा 2, 4, 2, 6, 6 और 3, 6 और 3, 9, 9 और 2, 11 और 1, 12, लो मेरे भाई, ये आ गया, that is called total interest on, क्या आ गया बच्चा, drawings, इस method को हम लोग क्या बोलेंगे, इस method को हम क्या बोलेंगे, simple, क्या बोलेंगे बेटा, simple, जी हाँ, इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, सिंपल मेथड, समझ में आ गई बात, देखो कितना सिंपल है, सिर्फ हमें क्या करना है, हर एक अमाउंट का इंडिविजुअल क्या निकालना, इंटरेस्ट निकालना, क्लियर हो रही मेरी बात, क्लियर हो रही है, क्लियर हो रही है, दोबारा समझा देता हूं, सुन लो ध्यान से, दोबारा सुन लो ध्यान से, ये वाला निकाला मैंने मई को, तो मई से लेके 31/3/23 तक कितने महीने हुआ 11, ये निकाला जुलाई 1 को, फिर 9, फिर ये अगस्त में 8, फिर ये निकाला मैंने क्या 11 को, यानी कि 5, और ये निकाला फरवरी में कितना गया 2, मतलब हम लोग देखेंगे जिस दिन निकाला जा रहा है उससे लेके 31/3/23 तक कितने महीने बैठ रहे हैं, अगर दिन होगा तो दिन ले लेंगे, दिन होगा तो दिन ले लेंगे, है ना, और महीने तो क्या लेंगे, महीने लेंगे, फिर आएगा अमाउंट इंटू में क्या आएगा, रेट इंटू में क्या आएगा टाइम, 11/12, 9/12, 8/12, है ना, इस तरह से, और कट्टम पट्टी करके जो भी आ जाएगा सबको टोटल कर देंगे, ये आएगा हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन क्या, ड्राइंग, ठीक है भाई, आगे बढ़े, आ जाओ चलो आगे बढ़ते हैं, तो आई थिंक क्लियर होगा, क्या मेरी बात सबको क्लियर है, जल्दी बोलो क्या सभी को मेरा बात क्लियर है, अच्छा जी क्लियर है, तो आ जाओ, अच्छा एक मेथड और था, एक मेथड और है, देखो इस वाले को तो हम समझ चुके हैं, इस वाला कॉन्सेप्ट क्या था, इस वाला कॉन्सेप्ट है सर कि हम लोग प्रत्येक ड्राइंग का इंडिविजुअल क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, लेकिन प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है, यहाँ पे कहता है इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज मल्टीप्लाइड, इज मल्टीप्लाइड क्या है, विद द नंबर ऑफ क्या है मंथ्स और नंबर ऑफ क्या है डेज इट हैज बीन यूज्ड, इट हैज बीन क्या है यूज्ड, कहने का अर्थ है कि इसके अंदर हम एक काम करेंगे, जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग ना और जितना टाइम उसका आया है, यानी कि पीरियड जो हमने निकाला था, जितना टाइम उसका आया ना कि कितने महीने हमने यूज किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और आफ्टर दिस इसके बाद द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा इस टोटल, उसको हम टोटल करेंगे एंड द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड देयर ऑन फॉर द क्या वन मंथ, क्या आएगा वन मंथ, वन मंथ का मतलब क्या है, किस तरह निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, तो कैसे ये आएगा ऐसे निकालेंगे टोटल, टोटल क्या है बच्चे अमाउंट ऑफ क्या आएगा ड्रॉइंग्स, दैट इज क्या आएगा टोटल, टोटल वो भी किसका प्रोडक्ट का, किसका है बेटा प्रोडक्ट वाला, इंड में बच्चे क्या आएगा यहां पे रेट, यानी कि यहां पे क्या आएगा रेट और इंटू में बच्चे क्या आएगा 1/12, क्या आएगा 1/12, क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्या बात समझ में आ रही है, देख लो क्लियर है गुरुजी, ऐसे समझने हैं, एग्जांपल से समझाओ तब समझ में आएगा, तुम्हारी बातें ना गुरुजी थ्योरी वाली समझ नहीं आती, तुम ना न्यूमेरिकल करके दिखाया करो तब मजा आएगा, ले मेरे भाई आजा, आ जा मेरे भाई आ जा, ले 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 आ ले 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 ए, इसको एक काम करते हम लोग, इसको हमने एक और कॉपी करा, ए ये क्या होगा भाई, ये क्या होगा, इसको दफा करो, ये एक कॉपी किया हमने, कब एक कॉपी हो आओ देखो जी, या सब कुछ ऐसे ही रहेगा, सब कुछ ऐसे रहेगा, बस मैं आपको एक नई चीज समझाता हूँ, आपको गुरुजी क्या समझा दिया आपने, आपने हमें पागल कर दिया, देखो हम एक काम करेंगे यहाँ पे, हम ना छोटी छोटी चीजें करेंगे, देखो ऐसे इसे मैंने यहाँ पे मिटा दिया और इसको सारे को मिटा रहा हूँ मैं, है ना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा इसके अंदर, बाकी सब कुछ क्या रहेगा बच्चे सेम रहेगा एज इट इज, कुछ भी नहीं बदलेगा, ठीक है सब कुछ सेम रहेगा, वही यहाँ पर बस एक कॉलम नया ऐड हो जाएगा, उस कॉलम का हम क्या बोलेंगे, डेटा स्कॉल कहेगा प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे यहाँ पे, जी हाँ प्रोडक्ट, मान लीजिए इसको मैंने क्या नाम दे दिया ए, इसको मैंने क्या नाम दे दिया बी, और इस मेथड का नाम है बच्चे क्या प्रोडक्ट मेथड, जी हाँ डेटा स्कॉल क्या बच्चे प्रोडक्ट मेथड, ध्यान से लो सब बच्चे, सब कुछ सेम वही है, सब कुछ सेम वही है,
कि हमने इस दिन को ये ड्राइंग निकाली, इस दिन को ये 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 निकाली, फिर हम क्या करेंगे, सब कुछ वही करना है क्या, कि इस ड्राइंग को मैंने 11 में यूज करा, इसको 9, इसको 8, इसको 5, इसको कितना 2, उसके बाद क्या करना, उसके बाद का मेन गेम है। उस वाले मेथड में हमने क्या करता, हर एक ड्राइंग का हमने इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकाला है ना, हर एक ड्राइंग का हमने इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकाला। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम पहले क्या करेंगे, जो जो हमारे पास आया है ये इनको हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट। तो 11 8 कितना आएगा, 88,000, ठीक है भाई। उसके बाद मेरा यहाँ पे क्या आएगा, 8 निम 72, 72, फिर 7 8 56, 56, फिर कितना आएगा, 5 4 20, फिर कितना आएगा, 5 9 10, आ जाओ। चलिए देखो ध्यान से, आ जाओ टोटल करते हैं इसका, टोटल लगाए, आ जाओ जल्दी जल्दी टोटल करते हैं, आ जाओ मेरे भाई फटाफट टोटल कर लेते इसका, 88 + 72 + 56 + 20 + 10, ये आगे बेटा 246,000, कितना बेटा 246,000। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, अब तुम्हें क्या गेम करना है, सुनो भाई मेन गेम सुनो, मेन गेम क्या, तरीका क्या रहता, तरीका हमारा ये कह रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग यानी कि जो प्रोडक्ट करके आया है, जो प्रोडक्ट करके आया है, जो मल्टीप्लाई करके आया है, उसका टोटल करो इंटू में रेट इंटू में क्या 1/12। तो मेरे भाई देख ले, यहाँ पे देख, यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन क्या होगा मेरे बच्चे, जो ड्राइंग होगा वो क्या होगा भाई, वो होगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू में रेट कितना है 6%, और इंटू में कितना है 1/12। आधा जरा करके देखते हैं मेरे भाई, ले मेरे भाई काटो से, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 6 2 12, 2 से काटो सर, 2 1 2, 2 2 4 और 2 3 6, कितना गया 1230, कितना गया 1230, ये आया। और अगर मैं देखूं तो यहां भी कितना आ रहा है, 1230 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप मेथड दोनों में से कोई सा भी लगा लो, आंसर आपका क्या आएगा, सेम ही आएगा, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका अर्थ ये होगा, क्या हुआ कि ये वाला मेथड लगा लो, चलो वाला मेथड लगा लो, आपका आंसर सेम ही आना है। लेकिन मैं आपको हिदायत दूंगा, माय पर्सनल एडवाइस टू यू, सर मैं इसको प्रेफर करूंगा, इसको प्रेफर मैं इसलिए करूंगा क्योंकि इसके अंदर मेरे को बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी, बार बार कट्टम पट्टी नहीं करनी, उसके अंदर मुझे बार बार कट्टम पट्टी करनी पड़ेगी, क्या पता फ्रैक्शन में जा सकता है, तो बच्चा वहां पर डिस्टर्ब हो सकता है कि फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है। तो मेरी पर्सनल एडवाइस के लिए तो ये है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, माता रानी की कृपा है, जो तुम्हारा दिल करे वो लगा दो, जो तुम्हारा दिल करे वो लगा दो, ठीक है, ठीक है। तो चलो भाई ये क्लियर हो गया, तो हमें समझ में आ गया क्या प्रोडक्ट मेथड, इसके अंदर क्या होता है, हम प्रत्येक ड्राइंग का इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकालेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे अमाउंट ऑफ ड्राइंग को पीरियड से यानी कि उसके टाइम से क्या करें मल्टीप्लाई करके टोटल करेंगे, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंटू में क्या आएगा 1/12, क्लियर है, आ जाओ चलो जी देखते आगे, लो जी लो, लो जी लो, हाँ अरे कहाँ गए भाई, हाँ अब आओ, अब अगला मेथड है, ये बड़ा प्यारा मेथड है, देखो बहुत प्यारा मेथड है, इसका नाम है बेटा एवरेज पीरियड मेथड है, जी हाँ हम क्या बोलते हैं एवरेज पीरियड मेथड भी कहते हैं। सर क्या है इसमें ऐसा खास, बताओ खास क्या, सुनो बहुत ध्यान से, इसमें उसमें डिफरेंस जो है बहुत प्यारा डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि देयर आर द रेगुलर ड्राइंग्स, सबसे बड़ी बात यहाँ पर रेगुलर ड्राइंग्स होगी, ये नहीं कि एक बार निकाल के छोड़ दिया, हम बार बार निकालेंगे, हर महीने निकालेंगे, हर क्वार्टर निकालेंगे, हम हाफ ईयर में निकाल सकते हैं, मतलब या तो कैसे निकलेगी मंथली निकलेगी यानी कि हर महीने निकालेंगे, या फिर हमें से कैसे निकालेंगे क्वार्टरली निकालेंगे, क्वार्टरली वे वाला क्वार्टरली नहीं बेटे, और या फिर हमसे क्या निकालेंगे हर 6 महीने में निकालेंगे, हाफ ईयरली, कैसे निकालेंगे हाफ ईयरली, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा दादा सुनो एक बात तो सुनो, उन्होंने क्या रखा है यहाँ पर कि द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा इक्वल, क्या होगा बेटा इक्वल, यानी कि यहाँ पे अमाउंट हमेशा क्या होगा इक्वल होगा, और जो टाइम गैप होगा बेटा बिटवीन द टू ड्राइंग इज यूनिफॉर्म, यानी कि टाइम गैप भी क्या होगा इक्वल होगा, क्या होगा बेटा बच्चे इक्वल, क्या अर्थ निकलता है इसका, सर इसका अर्थ ही हो गया कि अगर आपको यार मेथड निकालना तो दो कंडीशन है यहाँ पे, कौन कौन सी दो कंडीशन, अमाउंट ऑफ
ड्राइंग अमाउंट ऑफ क्या गया ड्राइंग मस्ट बी इक्वल क्या यहां पे मस्ट बी बोल क्या आएगा इक्वल एंड एंड टाइम गैप बिटवीन क्या ट्रू ड्राइंग्स ऑल्सो क्या आएगा मस्ट बी क्या आएगा इक्वल मतलब यहां पर क्या हो गया यहां पर जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग होगा वो भी क्या होगा इक्वल होगा और टाइम गैप होगा मेरे बच्चे वो भी क्या होगा इक्वल होगा दोनों चीज यहां पर क्या होंगी इक्वल होंगी ठीक है तो चलिए अभी फॉर्मूला मत देखो अभी मैं सिखाता हूं तुम्हें करना कैसे आओ चलिए शुरुआत करते हैं तो यहां पे मैं कहूंगा पहला केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है बेटा कहता है मेरे बच्चे व्हेन मेरे भाई अमाउंट ऑफ क्या आएगा ड्राइंग व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज क्या आएगा विड्रॉ एट द मेरे बच्चे बोले क्या आएगा बिगिनिंग ऑफ क्या आएगा एवरी मंथ जी हाँ ठीक है एवरी मंथ यहां पर मतलब क्या हो रहा है यहां पर मतलब ये हो रहा है कि हर महीने की शुरुआत में सर हम लोग अमाउंट निकाल ले हर महीने क्या शुरुआत में आ जाओ कैसे मान लीजिए अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स विड्रॉ पर मंथ क्या गया पर मंथ कितना रुपीज सर 2000 कितना अमाउंट आ गया 2000 2000 रुपये ठीक है भैया डेट इज पर मंथ यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं 2000 रुपये हर महीने निकाल लें और यहां पर बिगिनिंग बोला गया क्या बोला गया बिगिनिंग तो बिगिनिंग का मतलब क्या होगा सिंपल लैंग्वेज में बिगिनिंग का मीनिंग होगा बेटा कौन सी फर्स्ट डे ऑफ मंथ या डेट इज कॉल क्या फर्स्ट हाँ डे ऑफ बोलो क्या आएगा मंथ फर्स्ट डे ऑफ बोलो क्या मंथ ठीक है ना फर्स्ट डे ऑफ मंथ मतलब क्या होगा मतलब हर महीने की क्या पहली तारीख आओ सीखते हैं इसका बहुत बढ़िया जुगाड़ सीखते हैं आ जाओ देखो जान से मेरी बात सुनो मतलब मैं हर महीने निकाल रहा हूँ हर महीने मतलब क्या है मैं जनवरी में निकाल रहा हूँ मैं जनवरी को लेकर चल रहा हूँ जनवरी से लेकर दिसंबर लेकर चल रहा हूँ मैं अपना क्या फाइनेंशियल ईयर मान लो मैंने पहली ड्राइंग कब निकाली ध्यान सुनो फर्स्ट जनवरी को निकालूंगा मैं फिर मैं कब निकालूंगा फर्स्ट फेब है ना फर्स्ट मार्च फिर फर्स्ट बोलो क्या आएगा अप्रैल फिर बोलो क्या आएगा फर्स्ट बोलो क्या आएगा मई फिर बोलो क्या आएगा फर्स्ट बोलो क्या आएगा बेटा जून फिर मेरे बोलो क्या फर्स्ट बोलो क्या आएगा जुलाई फर्स्ट क्या आएगा अगस्त फर्स्ट बोलो क्या आएगा सितंबर फर्स्ट बोलो क्या आएगा अक्टूबर फर्स्ट बोलो क्या आएगा यहाँ पे नवंबर और फर्स्ट बोलो क्या आएगा यहाँ पे दिसंबर ठीक है जी या हम हर महीने की पहली तारीख को निकाल लें क्या कर रहे हैं बोलो हाँ ड्राइंग निकाल लें तो एक बात सुनो आपने एक छोटा सा गणित है कौन सा गणित है देखो ध्यान से फॉर्मूला एक पहले हम यहां पे निकालना सीखेंगे डेट इज क्या आएगा एवरेज पीरियड क्या निकालेंगे यहां पे एवरेज पीरियड तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला बोलो क्या फॉर्मूला डेट इज कॉल टाइम हाँ टाइम क्या आएगा यहां पे लेफ्ट टाइम क्या आएगा लेफ्ट आफ्टर बोलो क्या आएगा टाइम लेफ्ट आफ्टर का बोलोगे फर्स्ट ड्राइंग क्या बेटा फर्स्ट ड्राइंग यानी पहली ड्राइंग को निकालने के बाद कितना समय बचा दैट इज कॉल्ड टाइम लेफ्ट आफ्टर का फर्स्ट ड्राइंग उसने बोला क्या है यहां पर फिर बोला क्या आएगा टाइम बोलो क्या आएगा लेफ्ट आफ्टर बोलो क्या आएगा यहां पे लास्ट क्या आएगा ड्राइंग्स ठीक है और अपॉन में बोला क्या आएगा यहां पे टू अपन में लगाएगा यहाँ पे टू ठीक है यानी कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग पहली ड्राइंग को निकालने के बाद कितना समय बचा और आखिरी ड्राइंग जो आपने निकाली कितना समय बचा तो एक बात सुनो आपने फर्स्ट ड्राइंग कब निकाली सर ये रही फर्स्ट ड्राइंग लेट इस कॉल कहेगा फर्स्ट ड्राइंग और ये आपकी कौन सी ड्राइंग था लास्ट ड्राइंग
आप बीच वाले महीने का क्या करेंगे? बीच वाले महीने को आपको देखना ही नहीं है, सुन लो ध्यान से, बीच वाले महीने को आपको देखना ही नहीं है, जुगाड़ सिखा रहा, जुगाड़। अच्छा मैं इसका डिस्क्रिप्टिव भी समझाऊंगा आपको, आपको बताया था मैं आंसर निकाल के दिखाऊंगा कि हाँ भाई ये सही है, ये प्रूवन स्टेटमेंट है, लेकिन फिलहाल हम सीखेंगे क्या एवरेज पीरियड। देखो और एक बात सुनना, आपको जो मंथ काउंट करना है ना, मंथ सुन लो ध्यान से, आपको जो मंथ काउंट करना है वो दिनों में नहीं काउंट नहीं करने। मंथ का मतलब क्या होगा? एक। हाफ मंथ का मतलब कितना होगा? 0.5 यानी कि 1/2। और डेढ़ महीने का मतलब कितना होगा? 1.5। सुनना से, आई रिपीट माय डियर, 1.5। आपको डेज नहीं गिनने हैं, आपको 15-20-25 दिन नहीं गिनने हैं, अगर यहाँ पे मंथ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो मेरे भाई ध्यान सुन लो, तो पहली ड्राइंग आपने कब निकाली? 1 जनवरी को। तो कितना समय बचा? अब जनवरी 1 को निकाला ना, तो जनवरी का महीना भी काउंट होगा। जी हाँ, क्योंकि जनवरी 1 को निकाला ना, तो जनवरी का महीना तो बच रहा पूरा। यहाँ पे मैं द्वारा बोल रहा हूँ, डेज को नेगलेक्ट करना, आपको आपको डेज को करना है नेगलेक्ट करना है, डेज को आपको काउंट नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है मेरे बच्चे कि आपने जब पहली ड्राइंग निकाली तो उसके बाद कितना समय बच रहा है। तो आपने 1 जनवरी को क्या निकाला? पहला ड्राइंग निकाला, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी इसको निकालने के बाद पूरे कितने महीने बच रहे हैं? 12 महीने, ठीक है भाई। उसी प्रकार से आपने लास्ट ड्राइंग कब निकाली है? सर लास्ट ड्राइंग हमने कब निकाली? 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर को जब आपने लास्ट ड्राइंग निकाली तो इसके बाद कितने महीने बच रहे हैं? सर 1 महीना। कितना बच रहा है? 1 महीना। क्यों? दिसंबर 1 को तो निकाली है, तो दिसंबर तो पूरा बच रहा है। अब पूरा दिसंबर का मतलब क्या हो गया? पूरा 1। नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट मत करना कि सर 1 तारीख को निकाला तो 30 दिन बचे, नहीं, महीना क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो उसी प्रकार से जब हमने 1 जनवरी को निकाला तो जनवरी भी काउंट करेंगे, है ना, और जब हमने 1 दिसंबर निकाला तो दिसंबर भी क्या होगा? काउंट होगा। तो पहली ड्राइंग के बाद 12 महीने बच रहे पूरे पूरे, और आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बच रहे? सिर्फ 1 महीना। तो मेरे भाई क्या आएगा? सर ये आएगा 12+1/2, दैट इज 13/2, और अगर काटोगे तो कितना आएगा? 6.5। क्या 6.5? तो मेरे भाई अगर हम बात करें तो इसका अंदर फॉर्मूला क्या होता है? इसका अंदर फॉर्मूला बहुत सिंपल है, वो है ये, दैट इज कॉल क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पॉसिबल, दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ क्या आएगा? ड्रॉइंग्स, ठीक है, इंटू में बोलो क्या आएगा? रेट अपॉन में 100, और इंटू में मेरे बच्चे क्या आएगा? एवरेज पीरियड, दैट इज एवरेज पीरियड अपॉन में क्या आएगा? 12। एवरेज पीरियड अपॉन में क्या आएगा? 12। चलिए आइए, तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग कैसे निकालेंगे? सर आप हर महीने कितना अमाउंट निकाल लो? 2000 रुपए का अमाउंट निकाल लो, और साल में कितने महीने हैं? 12 महीने, तो कितना आ गया? 12 दुनी 24,000 रुपए, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने अज्यूम कर रखा है पहले क्वेश्चन में भी, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 6% मान लो, कितना मान लो? 6%, डेट स्कूल क्या इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग्स है हम मान के चल रहे यहाँ पे एजम्पशन ले रहे, कितना? 6% क्या आ गया? पर एनम, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? यहाँ पे कितना आ गया? 6/100, और एवरेज पीरियड में कितना है? 6.5 अपॉन में कितना आएगा? 12। तो लो मेरे भाई आ जाओ, कट्टम पिट्टी कर लेते थोड़ी सी, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, दोनों 0 चले गए, 6 2 12 पॉइंट आगे तो नीचे कितना आएगा? 10 आएगा, 1 0 से फिर 1 0 गया, 2 से काटो, 2 1 2 2 2 4, अब 12 ही गुणा कर दो किस में? 65 में, तो 12 5 60 हासिल लगा, 6 6 72 72 6 कितना आएगा? 78, दैट इज कॉल आएगा हमारे का, बोलो इंटरेस्ट ऑन क्या आएगा? ड्राइंग्स, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या मेरी बात क्लियर है? बताइए समझ में आया? तो आपको बस जो मेन फोकस करना है किस पे फोकस करना है? एवरेज पीरियड में। एवरेज पीरियड का मतलब क्या हो गया? जब आपने पहली ड्राइंग निकाली उसके बाद कितना समय बचा, और जब आपने लास्ट ड्राइंग निकाली उसके बाद कितना समय बचा। तो पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बच रहा है? 12 महीने, और आखिरी ड्राइंग के बाद कितना समय बच रहा है? 1 महीना, ठीक है भैया। चलिए तो ये हमारा पहला केस होता है, अब आओ अगले केस पे। अगला केस क्या है गुरु जी? अगला केस और भी सिंपल है, देखो यहाँ पे आओ, दैट इज केस नंबर क्या आएगा? 2। तो केस नंबर 2 हमारा क्या, दैट इज विड्रॉ, कहते हैं विड्रॉ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब कहने का मतलब ये हो गया हर महीने के एंड में, हर महीने क्या एंड में आ जाए भाई,
इसका मतलब तो गुरु जी हो गया, यानी कि पहला मैंने निकाला होगा 31 जनवरी, फिर 31 क्या आएगा फरवरी, है ना, ऐसे 31 फरवरी करो, 28 फरवरी जो भी हो, फिर हमने क्या निकाला होगा 31 मार्च, और ऐसे करते करते डैश मैंने आखिरी ड्रॉइंग कब निकाली होगी सर 31 दिसंबर को। क्या मेरी बात क्लियर हो रही सबको? अरे बोलते क्यों नहीं हो, बोल लो। यानी हम हर महीने के लास्ट में निकाल लें, लास्ट का मतलब क्या होगा एंड, एंड का मतलब क्या होगा एंड के डे, एंड का डे। अगर मैंने जनवरी का एंड बोला तो जनवरी कौन सी तारीख को निकलेगा 31 तारीख को। तो भाई एक बात सुनो, तो अगर मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा एवरेज पीरियड निकालूंगा, क्या निकालूंगा बच्चे, मैं अगर यहाँ पे एवरेज पीरियड निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, तो भाई टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग हमने कब निकाली, जनवरी के लास्ट दिन को निकाली, यानी कि जनवरी का महीना पूरा बीत गया उसके बाद हमने क्या निकाली ड्राइंग निकाली। मैं दोबारा बोला डे को काउंट नहीं करना, तो जनवरी का पूरा महीना बीत गया तो जनवरी हटा दो। तो कितने महीने वाली ड्राइंग यूज करी मैंने, पूरे 11 महीने। कैसे? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अच्छा लास्ट ड्राइंग मैंने कब निकाली सर जी, लास्ट मैंने निकाली दिसंबर में, और वो भी कब निकाली मैंने 31 दिसंबर में। और मेरा जो ईयर है, जो मेरा फाइनेंशियल ईयर है, वो कब एंड हो रहा है 31 दिसंबर को हो रहा है। तो मेरे भाई इसके बाद कितने दिन बच गए सर जी, 0 दिन। क्या महीने कितने बचे, 0। तो एवरेज पीरियड क्या कहता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर क्या लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2, इट बिकम्स 11/2 कितना आएगा 5.5। ठीक है, और अमाउंट ऑफ ड्राइंग वही लेट कर लेता मैं, अमाउंट ऑफ क्या आएगा ड्राइंग्स विड्रॉ वाला क्या लिखा मैंने यहां पर पर मंथ कितना अमाउंट है सर जी, 2000 रुपए। कितना अमाउंट आ 2000 रुपए। ठीक है भाई, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। अब देखो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला वही कहता है दैट इज अच्छा, और इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग हमारा वो सेम ही है, 6% भी लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, 6% में से लेके चल रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ी ईजी रहे भी, वैसे एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, 6%, 8%, 10%, 5%, 12% कुछ भी आ सकता है। फिलहाल मैं अपनी तरफ से एग्जाम्पल में 6% मान के चल रहा हूँ। तो लीजिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट ऑन, बोलो क्या आएगा ड्राइंग्स। तो टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट है 24,000। कैसे देखो, अब चाहे महीने के एंड में निकाले चाहे महीने के शुरू में निकाले, निकाल तो 12 बार रहा है वो। सोचो आप 31 तारीख को निकाला, 28 फरवरी, तो हर महीने में निकाला ना, हर महीने का मतलब कितना हो गया हर एक महीने, और साल में कितने महीने हैं 12 महीने, तो 12 दुनी 24, गुणा में कितना आएगा 6/100, और एवरेज स्पीड में कितना है 5.5, और अपॉन में कितना आएगा 12, मैंने पॉइंट डाला नीचे कितना आएगा 1/10 आ गया। आओ कट्टम पिट्टी करते हैं, 1 2 1 2 1 कट गया, 1 12 दुनी 24। ठीक है भैया, 6 दुनी 12 और 12 5 60 लगा 6 12 5 60 अच्छा कितना आएगा 66। ले मेरे भाई कितना आएगा 660। देखा कितना सिंपल है। हमने मेथड क्यों यूज़ करा, क्योंकि भाई अगर मैं हर महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन करूँगा तो तब भी 660 ही आएगा। चाहो तो आप निकाल के देख लेना, सिंपल मेथड से निकाल के देखना, 660 रुपये आएगा। और नहीं आएगा तो भाई साहब मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा और बोलो बस। लेकिन मेरे भाई अगर आ गया तो 3 गुना फीस लूंगा ना, ठीक है ना, मजाक कर रहा हूँ, तुम 1 गुना ही दे दो मेरे भाई। सुनो अच्छा मेरी बात सुनो। तो हमें सिंपल सा तरीके समझ आ गया कि हम लोगों ने अपना समय बचाने के लिए इस मेथड को यूज़ कराया। आपको सिंपल क्या करना है, अगर आपको वहाँ पे अभी वहाँ पर आपको ये करके नहीं दिखा रहा वैसे एवरेज फेवरेज, अगर आप चाहो सीधे सीधे क्या करो ये लिख दो 24,000 गुना में 6/100 इंटू में कितना 5.5/12। लेकिन अगर आप एग्जामिनर को ऐसे लिख कर दिखाओगे तो उसको ना बड़ा अच्छा लगेगा, उसे बड़ा प्यारा प्यारा महसूस होगा, वो सोचेगा ये बच्चा कितना प्यारा है, हाँ इसकी नॉलेज है, और वो क्या करेगा अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से आपकी कॉपी चेक करेगा और आपको मार्क्स देगा। ठीक है, चलिए ये वाला केस हो गया ना, नेक्स्ट केस आओ। अगला केस क्या कहता है, केस नंबर थर्ड मेरे भाई करा विड्रॉ एट द मिडल ऑफ क्या आएगा
एवरी मंथ, ठीक है, मिडिल ऑफ क्या गया, एवरी मंथ मतलब आप हर महीने के बीच में। हाँ ये बड़ा ध्यान सुनना भाई, ये बहुत थोड़ा ध्यान सुनना, क्योंकि सर इसमें क्या होगा, मान लीजिए जनवरी है तो आप कब निकाल लो, मिड ऑफ जनवरी, आप मिड जैन में निकाल लो, और ऑफर स्केप कब निकाल लो, मिड फेब में निकाल लो, है ना, डैश 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 डैश, और आप लास्ट कब निकाल लो, मिड दिसंबर में निकाल लो, ठीक है, मिड कब निकाल लो, दिसंबर में, ठीक है भाई, एक मिड जैन में और क्या मिड दिसंबर में। तो मेरी बात को बड़े ध्यान सुनो, मिड का, अब देखो मैंने आपको एक चीज समझाई थी, महीने का मतलब क्या होगा, एक महीना, महीने का मतलब क्या होगा, एक महीना, मतलब ये हुआ कि हमने जनवरी के मिड में निकाला है, तो जनवरी का महीना कितना होता है एक, तो जनवरी का कितना महीना बीत गया, 0.5 बीत गया, तो अब कितना बच गया जनवरी का महीना, था 0.5, ठीक है, या तो इसको ऐसे समझ लो, या फिर क्या समझ लो, क्या कि जनवरी का महीना था, जनवरी का आधा महीना बीतने के बाद मैंने क्या निकाली, ड्राइंग निकाली, तो मैंने ड्राइंग को कितना महीने यूज किया, जब मैंने जनवरी का आधा महीना बीत जाने के बाद निकाली, तो इसका मतलब मैंने जब ड्राइंग निकाली उसके कितने महीने यूज किया, सिर्फ आधा महीना, कौन सा, जनवरी का, तो जनवरी का तो आधा महीना यूज किया मैंने, और इसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर पूरे पूरे महीने यूज करे, कितने महीने यूज करे, 11 महीने, कितने महीने, 11 महीने, इसका मतलब कितना आएगा, ये आएगा 11.5, क्या बात समझ आई, सुन लो विधान से, कि जनवरी का आधा महीना बीत जाने के बाद, जनवरी का आधा महीना बीत जाने के बाद, यानी कि जनवरी का 0.5 बीत गया और अब कितना बचा हुआ है, 0.5, तो 0.5 ये बच गया, और बाकी कितने महीने बच गए पहले ड्राइंग के बाद, 11 महीने, ठीक है। अच्छा उसके बाद मिड दिसंबर है, क्या बेटा, मिड दिसंबर है मतलब लास्ट ड्राइंग, लेट अस कॉल क्या, लास्ट ड्राइंग, ये हमारी कौन सी है, लास्ट ड्राइंग है मेरे भाई, तो लास्ट ड्राइंग में क्या हुआ कि दिसंबर का आधा महीना बीत गया, यानी कि 0.5 चला गया, तो अब कितना बचा केवल, 0.5, बात समझ आ रही है। तो मेरे बेटे अगर मैं यहां पे क्या निकालूंगा, एवरेज पीरियड निकालूंगा, क्या निकालूंगा यहां पे, एवरेज पीरियड, तो कैसे निकालूंगा मेरे बच्चे, मैं ऐसे निकालूंगा इसको, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर क्या है, लास्ट ड्रॉइंग अपन में कितना आएगा, 2, कितना बचेगा ये, 12/2, काटो कितना का ये, 6, कितना गया, 6, ठीक है भैया, कितना गया, 6। अच्छा आगे सुनो, अब क्या होगा भाई, सर अब मैं निकालूंगा सेम वही फंडा है, इंटरेस्ट ऑन क्या आएगा, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन क्या आएगा बोलो, ड्रॉइंग्स, कैसे, दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, अब चाहे मिडिल में निकालो, चाहे एंड में निकालो, चाहे शुरू में निकालो, आप हर महीने निकाल लो ना, हर महीने का मतलब क्या हो गया, पूरे 12 महीने निकाली, तो 12 × 24,000 रुपए, मैं वही अमाउंट लेके चल रहा हूं, अभी रेट कितना है, 6, और ये कितना आ गया, 6/12 एवरेज पीरियड, काटो से चलाओ, 6 × 12 = 2 × 6 = 1 × 2 = 0 × 4 = 12 + 1 = 3 × 6 कितना आएगा, 7, तो ये हमारा क्या गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ गया, क्या सबको मेरी बात क्लियर हो रही है, पक्का क्लियर हो रही है। अच्छा एक बात और सुनो मेरी बात को ध्यान से, जब भी मिडिल ऑफ एवरी मंथ हो, चाहे मिडिल ऑफ क्वार्टर हो, चाहे मिडिल ऑफ क्या हो, हाफ ईयरली हो, तो भाई साहब लिखित में ले लो, हमेशा एवरेज पीरियड कितना आएगा, 6 आएगा, अगर ना आए तो मेरा गला काट देना और बोलो, समझाते समझे, तो मेरे भाई आपको एक बात समझा दो, सिंपल सी बात है कि जब भी आपके सामने क्या है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ आए, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर आए, या क्या है, हाफ ईयरली आए, तो आंख बंद करके आपको एवरेज पीरियड कितना लेना है, 6, कितना लेना है, 6, ठीक है। चलो जी इसे भी नोट डाउन कर लो फटाफट से। चलो बच्चा पार्टी, अब मेरी बात को ध्यान सुनो, अब आप लोगों ने क्या काम करा भैया, बिगिनिंग हो गया, मिडिल हो गया, और क्या हो गया, एंडिंग हो गया, नहीं हो गया, ये था एवरी मंथ का। अब आ जाओ हम बढ़ते हैं अपने किस पे, नेक्स्ट केस की तरफ, जो कि क्या है बेटा, केस नंबर 4th, ध्यान सुनना मेरी बात को, आवाज तो आ रही ना भाई, ध्यान सुनो, कह रहा है केस नंबर 4th, उन्होंने बोल रखा है क्या मेरे बच्चे, कि विड्रॉ, हाँ विड्रॉ एट द बिगिनिंग, एट द मेरे बच्चे क्या है यहां पे, बिगिनिंग ऑफ मेरे बेटे डेट इज एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर की किसमें आएगा, वो बिगिनिंग में आएगा, हर क्वार्टर की किसमें आएगा, बिगिनिंग में। अब क्वार्टर कितने का होता है, अरे भाई ओ भाई 120 का नहीं होता,
बेवकूफ कहेगा ये वाला क्वार्टर नहीं है, यहाँ पे ये अकाउंट्स का क्वार्टर है यार। भाई बालको तुम कैसे हो यार, ये अकाउंट्स का क्वार्टर है ठीक है, अकाउंट्स का क्वार्टर। ऐसे हुआ था एक बार ऐसे में क्लास ले रहा था ऑफलाइन में, बहुत पुरानी बात है। तो मैंने बोला भाई कि क्वार्टर होता 1/4 है ना, 1/4 होता। तो मैंने बोला भाई कि बताओ मेरे बच्चों एक क्वार्टर कितने का होता है, कितने मतलब मैं ये नहीं बोल पाया कितने मंथ का होता है। मैंने बताओ बेटा एक क्वार्टर में कितने का होता है, तो कहता सर जी 120 का आता है। तो मैंने कहा गधे ये वाला क्वार्टर नहीं है, ये अकाउंट्स का क्वार्टर है। क्वार्टर बेसिकली क्या होता है ठीक है, क्वार्टर मेरे बच्चों का 3 मंथ का, कितने होता है 3 मंथ का। समझा क्या समझे, कितने मंथ का होता है 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। और बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक साल के अंदर, जी हाँ एक साल के अंदर टोटल कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। कितने क्वार्टर होते बेटा, 4 क्वार्टर होते हैं ठीक है भाई। चलो आ जाओ आप सुनो बहुत ध्यान से, यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर बोला है। यहाँ पर ना एक मीनिंग और समझा दूं, यहाँ पर मीनिंग है इस केस के अंदर के एक क्वार्टर में, सुनना से क्या लिखा मैंने यहाँ पे, एक क्वार्टर में, क्वार्टर में एक बार, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, एक बार ड्रॉइंग्स क्या कर रहे हैं बच्चे, विड्रॉ कर रहे हैं ठीक है। यानी कि एक क्वार्टर में एक बार ड्रॉइंग्स विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब कि 3 महीने में एक बार। इसका मीनिंग क्या हुआ, थ्री मंथ में एक बार। बात क्लियर है ठीक है, बात क्लियर है, क्लियर है 3 मंथ में का एक बार। अच्छा इसके बाद बताओ, इसके बाद सीन सुनो, इसका सीन क्या सीन ये है कि अब देखो मैं क्वार्टर को ना डिवाइड करता हूँ किसमें, महीनों में डिवाइड करता हूँ। महीनों में कैसे डिवाइड करूंगा भाई, पहला क्वार्टर मैंने शुरू करा जनवरी से लेके मार्च एंड तक, फिर मेरे बच्चे क्या शुरू होगा मेरा अप्रैल से लेके, मेरे बेटे कहाँ पे आएगा जून तक, और फिर अगला क्वार्टर होगा जुलाई से लेके मेरे भाई क्या आएगा बताओ वहाँ पे, जुलाई अगस्त सितंबर एंड तक, और फिर अगला आएगा बेटे क्या अक्टूबर से लेके मेरे बेटे दिसंबर एंड तक। ये हमारे कितने क्वार्टर हो गए, 4 क्वार्टर हो गए। कितने क्वार्टर हो गए बेटे, 4 क्वार्टर। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, उसने बोला ना बिगिनिंग, क्या बोला उन्होंने बिगिनिंग, तो बिगिनिंग का मतलब क्या हो गया जनवरी, और जनवरी की कौन सी डेट को, फर्स्ट डे, दैट इज कॉल्ड क्या गया बेटा फर्स्ट डे। जी हाँ इस बात को सुन लो सब बच्चे, रट्टा मान लो, जब भी आपके सामने बिगिनिंग आएगा तो बिगिनिंग का मतलब क्या होगा, फर्स्ट डे ऑफ मंथ। और जैसे कि मैंने बोला क्वार्टर में कितनी बार, एक बार, यानी कि इन 3 महीनों में, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च में 3 महीनों में सिर्फ एक ही बार क्या निकाली मैंने, ड्रॉइंग निकाली, और वो भी कब निकाली, 1 जनवरी को निकाली। तो 1 जनवरी के बाद, आई रिपीट माय डियर, क्या बोला मैंने, 1 जनवरी के बाद, सुनो ध्यान से, 1 जनवरी के बाद कितने महीने बचे, देखो जनवरी एक तो दफा करो, मतलब एक तो दफा मत करो, अगर जनवरी एक को निकाला तो जनवरी काउंट होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पूरे 12 महीने। जी हाँ डेट इज कॉल एवरेज पीरियड। ना सुनो यहां पर हम क्या निकालेंगे, एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे बेटा, बाई टाइम लेफ्ट आफ्टर क्या आएगा, फर्स्ट ड्रॉइंग। तो पहली ड्रॉइंग मैंने पहले क्वार्टर में 1 जनवरी को निकाली, सुनना ध्यान से, एवरी क्वार्टर में, बार बार बोल रहा हूं, यहाँ पे क्वार्टर का मतलब क्या होगा, 3 महीने होगा, और 3 महीने में क्या होगा, एक बार ही होगा, समझे, 3 महीने में एक बार ही होगा। इसको रट्टा मान लो दिमाग में, क्या कि एवरी क्वार्टर, क्वार्टर होगा 3 महीना, और 3 महीने में कितनी बार, एक बार, वो भी कब, बिगिनिंग में। बिगिनिंग का मतलब क्या हो गया, जनवरी एक को। तो 1 जनवरी के बाद कितने महीने हो गए, अप टू दिसंबर तक पूरे 12 महीने हो गए। तो यहां पर एवरेज पीरियड क्या आएगा, 12। अच्छा लास्ट ड्राइंग मैंने कब निकाली होगी, सर लास्ट ड्राइंग दैट इज कॉल्ड क्या आएगा, लास्ट क्या आएगा, ड्राइंग ठीक है भाई, लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग मैंने कब निकाली होगी, इस लास्ट क्वार्टर में, दैट इज कॉल्ड क्या, लास्ट क्वार्टर, और वो भी कौन से डे को, फर्स्ट डे को, क्योंकि वो क्वार्टर के बिगिनिंग में बोल रहा है, किसके बिगिनिंग में बोल रहा है, वो क्वार्टर के बिगिनिंग में बोल रहा है। तो क्वार्टर के बिगिनिंग का मतलब क्या हो गया सर, लास्ट क्वार्टर कब आपका, लास्ट क्वार्टर मेरे बच्चे अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का, और बिगिनिंग बोला गया तो कौन सी तारीख को, अक्टूबर की 1 तारीख को। तो 1 अक्टूबर को मैंने निकाला तो कितने महीने बच गए इसमें भी, 3, कैसे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। समझा क्या समझे, आपको बस ये फोकस करना है कि ड्रॉइंग पहली कब निकाली और आखिरी कब निकाली। तो पहले ड्रॉइंग निकाली 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी के बाद कितने महीने बच गए, पूरे 12, और फिर आखिरी ड्रॉइंग मैंने कब निकाली, आखिरी ड्रॉइंग मैंने निकाली अक्टूबर 1 को, उसके बाद कितने महीने बच गए, 3। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या आएगा, 12 + 3/2 दैट इज 15/2 काट दो, कितना आएगा पे 7.5।
अच्छा अब आगे बताओ, अब आगे क्या करना है, अब आगे सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनो ध्यान से। अब जाहिर सी बात है मैं एक क्वार्टर में एक ही बार ड्रॉइंग निकाल लूं, मतलब समझे नहीं समझे, तो अगर मैं बात करूं यहां पे टोटल टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, अगर मैं टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स की बात करूं मेरे भाई, तो कैसे होगा सर? मान लीजिए मैं फिर से क्या निकाल रहा हूं, हर क्वार्टर में 2000 रुपए निकाल रहा हूं, हर क्वार्टर में कितने 2000 रुपए निकाल रहा हूं, अब क्वार्टर कितने टोटल 4, तो मैंने ड्रॉइंग कितनी बार निकाली 4 बार, कितनी बार 4 बार, तो 4 दुनी कितना आएगा 8, 4 दुनी कितना आएगा 8। अच्छा अब आगे हम क्या निकालेंगे सर, हम निकालेंगे आगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो मेरे प्यारे बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकालेंगे सर, ये आएगा 8000 रुपए, ठीक है जी, गुणा में कितना आएगा 6% मान लो, मैंने मान लिया इंटरेस्ट रेट, और एवरेज पीरियड कितना गया 7.5, ठीक है जी, कितना गया 7.5 अपॉन में कितना आएगा 12, तो मेरे भाई पॉइंट डाउन होगा तो नीचे कितना आएगा 10 आएगा। आओ कट्टम पट्टी शुरू करते हैं, कट्टम पट्टी शुरू, 6 दुनी 12, 1 2 1 2 और 1 ये भी कट गया, ठीक है जी। आओ फिर क्या आएगा, 2 से काटो तो 2 चौक 8, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 20 हासिल लगा 2, 4 7 28 28 और 2 कितना आएगा 30, दैट इज कॉल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स व्हेन क्वार्टरली ड्रॉइंग्स आर विड्रॉन। क्वार्टरली का मतलब क्या हो गया, हर 3 महीने के बाद निकाल लें, हर 3 महीने के बाद, समझे बात समझे, यानी कि अगर मैंने पहले ड्रॉइंग 1 जनवरी को निकाली तो दूसरी ड्रॉइंग कब निकाली मैंने 1 अप्रैल को, फिर तीसरी कब निकाली मैंने 1 जुलाई को, और आखिरी वाली मैंने कब निकाली अक्टूबर 1 को, ठीक है भैया। अब बीच वालों को हमें कुछ नहीं सोचना, हमें सिर्फ ये देखना है कि एवरेज पीरियड कैसे निकालना है। तो एवरेज पीरियड के लिए हमने देखा पहली ड्रॉइंग के बाद कितना समय बचा डेट इज 12, और आखिरी ड्रॉइंग के बाद कितना समय बचा डेट इज कॉल क्या 3, क्लियर है? आगे बढ़े महाकाल के नाम पे, चलो जी बढ़ते आ जाओ अगला केस, केस नंबर क्या आएगा, कौन सा केस था अगला, ये था केस नंबर 4th, अब आओ केस नंबर क्या आएगा 5, लीजिए क्या आएगा केस नंबर 5, कहता है विड्रॉ, क्या बोलता है वो, विड्रॉ एट द एंड ऑफ, बोलो क्या आएगा क्वार्टर, एट द एंड ऑफ क्या आएगा क्वार्टर, वो क्वार्टर के कब निकालना है एंड में निकालना। तो ले मेरे बच्चे कैसे करेंगे, अब देखो फिर से वही आएगा जनवरी से लेके मार्च, फिर क्या आएगा बेटा अप्रैल से लेके जून, और जुलाई से लेके बोलो क्या आएगा बेटे सितंबर, और यहाँ पे आएगा अक्टूबर से लेके बोलो क्या आएगा यहाँ पे दिसंबर, क्या आएगा दिसंबर, ठीक है ठीक है। अब सुनो बहुत ध्यान से, अब सुनो एंड ऑफ क्या बोल रहा है, एंड बोलना है, एंड का मतलब क्या हो गया एंड का महीना, एंड का मतलब क्या हो गया एंड का महीना और एंड का डेट, डेट स्कूल क्या लास्ट मंथ ऑफ क्या आएगा क्वार्टर एंड लास्ट डे ऑफ क्या आएगा मंथ, यानी कि मई क्वार्टर का, यानी कि एंड का क्वार्टर और एंड का दिन, एंड का क्वार्टर और क्या एंड का दिन, इसका मतलब पहली ड्राइंग उसने कब निकाली होगी 31 मार्च को, ठीक है भाई 31 मार्च को निकाली होगी। तो बच्चे एक बात बताओ, जब उसने आखिरी ड्राइंग 31 मार्च को निकाली तो 3 महीने तो पहले बीत गए, जब 3 महीने बीत गए शुरू के तो बाकी कितने महीने बच गए पूरे 9, अच्छा जी आखिरी ड्राइंग कब निकाली होगी डेट स्कूल क्या लास्ट ड्राइंग कब निकाली उसने, लास्ट क्वार्टर लास्ट का मंथ और लास्ट का डे, यानी कब निकाली होगी उसने 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर को उन्होंने निकाली तो उसके बाद कोई महीना बचा नहीं बचा, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है 31 दिसंबर को एंड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, क्या आएगा यहाँ पे 0। अच्छा अब आगे सुन लो, अब आगे मेरे बच्चे क्या आएगा यहाँ पे, आगे आएगा मेरे भाई एवरेज पीरियड, क्या आएगा यहाँ पे एवरेज पीरियड कितना आएगा डेट इज 9 + 0/2 और यहाँ पे कितना आएगा 9/2, तो काट दो कितना आएगा 4.5। अच्छा चाहे भले हमने एंड के मंथ में एंड वाले डे में निकाली हो, लेकिन निकाली कितनी बार है 4 बार, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ एवरी क्वार्टर का मतलब क्या हो गया 3 महीने में 1 बार, तो हमने टोटल ड्रॉइंग कितनी बार निकाली है 4 बार। तो ले मेरे भाई हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, वही आएगा फिर से इंटरेस्ट ऑन क्या लूंगा मैं ड्रॉइंग्स, मैंने माना कि मैंने हर बार कितने रुपये निकाले 2000 रुपये निकाले हैं, तो 4 दुनी 8000 रुपये यहाँ पे आ गया,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने कितना ले रखा है 6% और एवरेज पीरियड मेरा कितना है 4.5 अपॉन में कितना आया 12। तो लो भैया कट्टम पट्टी कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ, पॉइंट आया, नीचे कितना आएगा 10। लो भाई 6 × 12 एक दो से काट, एक जीरो और चला गया, काट दो, फिर आया दो चौक 8, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4×5 = 20 लगा दो, 4×16 = 18, ये कितना अमाउंट आ गया 180 रुपये। क्या सभी बच्चों को मेरी बात क्लियर है? क्या सही बच्चों मेरी आवाज़ आ रही है? सुन रहा है ना तू? सुन रहा है ना तू? बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, कितना सिंपल है देखो। अच्छा अब आ गया, अब अगला केस कौन सा हो सकता, सोचो। सही बोला, मिडिल, जी आ गया बोला मिडिल। लो जी लो आओ अगला केस, केस नंबर 6। क्या कहता है हमारे से केस नंबर 6 मेरे बच्चे कह रहा है हमारे, क्या लिखते भाई? हाँ तो केस नंबर 6 कह रहा है हमारे से, इट इज मिडिल। हाँ जी मिडिल ऑफ क्या आएगा? एवरी क्वार्टर। मिडिल ऑफ क्या आएगा? एवरी, ठीक है, मिडिल ऑफ क्या? एवरी क्वार्टर। तो मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब क्या हो गया? मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब बच्चे हर क्वार्टर के बीच में। तो आ जाओ भैया, तो पहले क्वार्टर कब है? जनवरी से लेके क्या आएगा? मार्च आएगा। फिर क्या आएगा बताओ? अप्रैल से लेके बोलो क्या आएगा यहाँ पे? जून आएगा। फिर क्या आएगा? जुलाई से लेके बोलो क्या आएगा यहाँ पे? सेप्टेम्बर आएगा। और अक्टूबर से लेके बोलो क्या आएगा यहाँ पे? दिसंबर आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है सबके? बोलिए क्लियर है? आ जाओ सुनो ना, सुनो आप, सुनना मेरी बात वहां से। मिडिल बोला, क्या बोला ना? मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, दैट इज कॉल्ड मिडिल, मिडिल। अच्छा एक बात सुनो, एक बात सुनो, मेरी बात को बड़े ध्यान सुनो। अगर मिडिल बोला गया, इसका मतलब 3 महीने में से क्या हुआ? 1.5 महीना बीत गया, तो कितना बच गया? 1.5 बच गया, बच गया नहीं बच गया, समझो। अरे 3 महीने में से 1.5 महीने बीत गए, तो कितने बच गए? 1.5। और बाकी कितने बच गए? 9, है ना? तो कितना गया? 10.5 आ गया, ठीक है जी। अच्छा ध्यान सुनो मेरे, आपको हमें तो एवरेज पीरियड के लिए बस क्या चाहिए? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर क्या लास्ट ड्रॉइंग। तो मेरे बच्चे एंड वाला क्वार्टर कौन सा है? अक्टूबर से लेकर दिसंबर। और मिडिल बोला गया, तो इसमें कितने महीने बचे? 1.5 महीना बीत गया, और बाकी कितने महीने यूज करा मैंने? 1.5 महीना यूज किया। तो मेरे बच्चे यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा मेरे एवरेज पीरियड। कैसे निकालेंगे गुरुजी? कुछ नहीं करना, दैट इज 10.5 प्लस में कितना आएगा 1.5 और अपॉन में कितना आएगा 2, दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा 12/2 और काटो तो कितना आएगा 6। लो गुरुजी मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने आपको ये समझाया था मेरे भाई कि आप कुछ भी कर लेना, मिडिल वाले में हमेशा कितना आएगा 6 आएगा, देख लो आगे जाएंगे 6। लो जी लो हम क्या निकालेंगे सर जी? हम इसमें भी निकालेंगे क्या? डेट इज इंटरेस्ट ऑन क्या आएगा मेरे अच्छे? ड्रॉइंग्स। तो भैया ड्रॉइंग कितनी बार निकाली मैंने? 4 बार। तो 4 × 8000 रुपये आ गया, गुणा में 6/100, गुणा में कितना आएगा 6/12। तो 6 × 12 2 × 3 = 6, 1 × 2 = 2 कट गया, 8 × 3 = 24 कितना अमाउंट आ गया 240। क्लियर मेरी बात? पक्का देख लो, क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते, आ जाओ फटाफट से देखो। लो जी लो अगला एक और है, बहुत प्यारा सीन, ठीक है। एक थोड़ी सी स्लाइड बढ़ा दो जरा, मैं रुक जाओ, 3 है ना? हाँ 3 में हो जाए काम। चलो जी आओ अगला देखो, अगला जो केस है बेटा, अब हाफ ईयरली वाला लेंगे हम। हाँ केस नंबर मेरे क्या आएगा 7, दैट इज कॉल विड्रॉ एट द मेरे क्या आएगा बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयरली। ओ माई गॉड, एवरी हाफ ईयरली। एक बात समझाऊंगा तुम लोगों को, बोलो क्या? एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? अबे दो ही तो होते हैं यार, 6-6 महीने। हाफ ईयर का मतलब, हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है? 6 मंथ। तो मेरे भाई एक बात होता, पहला हाफ ईयरली कब होगा? सर जनवरी से लेके जून तक का, ठीक है। और दूसरा कब होगा? सर जुलाई से लेके मेरे बच्चे बोलो कहाँ आएगा? दिसंबर तक का। बात समझ आई नहीं आई? तो हाफ ईयरली का मतलब ये होगा मेरे बच्चे क्या? 6 महीने में एक बार। जी हाँ, पे मीनिंग क्या होगा सर? मीनिंग हो गया 6 महीने में। जी हाँ, आई रिपीट माय डियर, दैट इज कॉल्ड क्या? 6 महीने में क्या गया? एक बार, ठीक है। 6 महीने में क्या गया यहाँ पे? एक बार। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। तो ठोको महाकाल के नाम पर। जी हाँ चलिए, दास सुनो, आप सुनो
छह महीने में एक बार। तो अब बिगिनिंग बोला गया, तो बिगिनिंग का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट मंथ और फर्स्ट डे, क्या गया फर्स्ट डे, इसका भी फर्स्ट डे और इसका भी क्या होगा फर्स्ट डे। जी हाँ, क्योंकि भैया उसका लॉजिक सिंपल सा यह है कि पहला हाफ ईयरली शुरू होता है जनवरी से लेकर जुलाई, और बिगिनिंग का मतलब क्या हो गया शुरू का महीना यानी कि जनवरी, और जनवरी कौन सी तारीख, पहली तारीख। तो भाई पहली ड्राइंग हमने तब निकाली, तो कितने महीने बच रहे पूरे पूरे 12, क्योंकि जनवरी के बाद पूरे कितने, मतलब एक जनवरी के बाद कितने महीने बचेंगे पूरे 12। और दूसरी ड्राइंग मैंने कब निकाली, जुलाई के स्टार्टिंग में, तो एक जुलाई निकालने में कितने बच गए, कितने महीने बच गए 6। तो लो मेरे भाई यहां पर हमारा क्या आएगा सर जी, हमारा आएगा यहाँ पे एवरेज पीरियड, क्या था निकालूंगा मैं 12 + 6/2 दैट इज 18/2 काटूंगा, तो यहाँ पे कितना आया था 6, कितना आ गया यहाँ पे 6, क्लियर है, वेरी गुड। अब आगे सुनो, अब 6 महीने में हमने ड्राइंग कितनी बार निकाली, एक बार निकाली, तो जाहिर सी बात है साल के अंदर कितने हाफ ईयरली हुए, दो हाफ ईयरली हुए। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की मेरे भाई, सुनो क्या आएगा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन, क्या आएगा जो ड्राइंग्स होगा क्या होगा सर, टोटल ड्राइंग, तो टोटल ड्राइंग कितनी सर, दो ही बार तो निकाल लिए, तो 2000 कितना हो गया 4000 रुपए, और रेट कितना हो गया सर 6%। अच्छा, और ये कितना रहा है, अबे भाई 6×9 आएगा, कितना का ये 9, तो यहाँ पे कितना आएगा 9/12, 6×2 = 12, 1×2 काट दो कितना उठा 20, 9×2 = 18, कितना अमाउंट आ गया 180। क्या सभी बच्चों को मेरी बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ, बहुत अच्छे। तो क्लियर हो गया, 6 महीने में एक बार, क्वार्टर में एक बार, समझे ना। और एक बात सुनो, जब बोलते ना एवरी हाफ ईयरली, तो यानी कि 6 महीने में एक बार, बार बार बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज होता है बहुत बारी, ठीक है भाई। चलो जी आ जाओ अगला केस देखते हैं, केस नंबर मेरे बच्चे यहाँ पे क्या आएगा 8, केस नंबर 8 कहता है क्या रखा है विड्रॉ, कहता है बच्चे क्या विड्रॉ एट द एंड ऑफ एवरी हाफ ईयरली, लो जी लो, ठीक है जी आ जाओ जी, क्या बोलता है गुरुजी, पहला क्या आएगा सर, यह आएगा जनवरी से लेके, बोलो क्या आएगा यहाँ पे सर जून, और मेरे बच्चे बोलो क्या आएगा जुलाई से लेके, बोलो क्या आएगा यहाँ पे दिसंबर, ठीक है जी। अब सुनो एंड का मतलब क्या होगा, पहले हाफ ईयरली का एंड ही होगा, सेकेंड हाफ ईयरली का एंड ही होगा, एंड का मतलब है एंड का महीना और एंड का डे। तो इसका मतलब हमने पहले कब निकाली, 30 जून को निकाली, तो 30 जून के बाद कितने महीने बच रहे हैं 6 महीने, पूछो कैसे, क्योंकि शुरू के 6 महीने तो बीत गए, शुरू के 6 महीने तो बीत गए। अच्छा एंड वाली कब निकाली सर, एंड वाली निकाली मैंने 31 दिसंबर को, तो अब यहाँ पे कोई महीना बचा, बिल्कुल भी नहीं बचा। तो मेरे बच्चों एक बात सुनो, यहाँ पे अगर एवरेज पीरियड निकालोगे, क्या निकालोगे अगर एवरेज पीरियड निकालोगे, तो कैसे निकालोगे 6+0/2 इट बिकम्स 6/2 काटो तो कितना आएगा 3, आ गया 3। अच्छा लेकिन ड्राइंग मैंने कितनी बार निकाली है, वही दो बार, अब चाहे शुरू में निकालो चाहे एंड में निकालो, लेकिन ड्राइंग नंबर ऑफ टाइम 2 टाइम, तो 4 × 2 = 4। तो मेरे बच्चे यहां पे हम क्या करेंगे, मेरे बेटे यहां पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन क्या आएगा ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन मतलब क्या आएगा ड्रॉइंग्स, कैसे लिखूंगा मैं 2×4 गुणा में क्या आएगा 6/100 और 3/12, ठीक है जी 6×12 1×2 काट दो कितना गया 20 और 20×60 रुपए, ये हमारा क्या गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज विड्रॉ एट द एंड ऑफ क्या एवरी हाफ ईयरली, क्लियर है मेरी बात, क्लियर है। चलो जी अब आ जाओ एक केस, बस एक केस जरा सा रह गया, बस आओ लो जी लो, क्या था मेरे बच्चे केस नंबर 9, कह रहा है मेरे बच्चे क्या कह रहा है कि गुरु जी विड्रॉ एट द मिडिल, हाँ मिडिल ऑफ एवरी हाफ ईयरली, ले मेरे भाई एवरी क्या आएगा हाफ ईयरली, लो मेरे भाई आओ आओ आओ। तो अगर हम बात करें जनवरी से लेके जून और जुलाई से लेके क्या दिसंबर, तो इसका मतलब मेरे भाई ये हो गया कि इसमें क्या हुआ 3 महीने बीत गए होंगे तब निकाली होगी, 6 महीने का मिडिल क्या हुआ 3 महीने के बाद होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस वाली ड्राइंग का क्या होगा सर 9 महीने यूज किया, कितने महीने यूज किया 9 महीने, पूछो कैसे सर जी सिंपल सी बात है,
शुरू के 6 महीने में से 3 महीने चले गए तो कितने बच गए, 3। कितने बच गए, 3 बच गए शुरू में तो, और बाकी के भी तो बच रहे हैं। किसके, ये 6 महीने भी तो बच रहे हैं, इस 6 महीने भी तो यूज करी होगी, ठीक है। तो कितना अमाउंट आ गया, और कितना मंथ आ गए, 9 महीने आ गए। समझा क्या समझे, अरे दोबारा सुन लो, मिडिल के मतलब क्या हो गया, बीच में। तो जनवरी के 3 महीने बीत जाने के बाद आपने ड्रॉइंग निकाली, तो आपने पहले हाफ ईयरली में 3 महीने यूज किया और बाकी के 6 महीने भी यूज किया, तो टोटल आपने पहले ड्रॉइंग का 9 महीने यूज किया। अच्छा, इसमें क्या हुआ, हुआ इसमें 3 महीने बीत गए होंगे तभी तो निकाली होगी, तो इसमें 3 महीने बीत गए तो बाकी के 3 महीने तो आपने यूज करी। तो मेरे भाई अगर आप चेक करोगे यहाँ पे क्या एवरेज पीरियड चेक करोगे मेरे बच्चे, तो कितना गई, ये आएगा 9 + 3/2, इट बिकम्स 12/2, और काट दो कितना गई 6, कितना गई 6, क्लियर है। अरे क्लियर नहीं है तो कर ले मेरे भाई, सुन ले नाम से, मिडिल का मतलब क्या होगा, 3 महीने बीत गए, अब 9 में से सुनो 12 महीने टोटल, 12 में से क्या हुआ, शुरू के 6 महीने, उस 6 महीने के में से 3 महीने बीत जाने के बाद निकाली, तो शुरू के हाफ ईयरली में से कितने बचे, मैंने 3 बचे, और बाकी 6 महीने कितने हो गए, 9 महीने। तो पहली ड्राइंग में 9 महीने, सेकंड ड्राइंग में कितना है, 3 महीने। और जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि मिडिल है तो आंख बंद करके एवरेज पीरियड हमेशा कितना आएगा, 6 आएगा, कितना आएगा 6। ले मेरे बच्चे यहाँ पे क्या निकालोगे, यहाँ पे आप निकालोगे इंटरेस्ट ऑन क्या आएगा, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना अमाउंट आएगा, सर ये आएगा तो वही 4000 रुपए आएगा, क्योंकि दो बार निकाली है, गुणा में आएगा 6, गुणा में आएगा 6 बटे में 12, ले 6 × 12, 2 × 3 = 6, 0 से गया 0, तो कितना गया, 4 × 3 = 12, 120 रुपया। आ समझ नहीं आया, तो भाई साहब ये था इसका लास्ट केस, क्या था बेटा, लास्ट केस था इसका। और अब आप इसके ऊपर इस पैटर्न को ढंग से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखे हैं सारे करो महाकाल के नाम पे, और ठोको लाइक या दबा के ठोको, ठीक है, ठीक है। और मेरे बच्चों चलो, इस लेक्चर का तो दी एंड हो गया, टॉपिक का दी एंड हो गया, अब हम किसे मिलेंगे, अपने अगले टॉपिक में, और अब अगले क्या मस्त कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन आपको सारा पुराना पढ़ के आना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी मैंने पढ़ाया अभी तक ये सारा आगे चल के काम आएगा, तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज पढ़ के आना। तब तक के लिए मैं हूं आपका अपने कुलदीप कुमार, मिलता हूं किसमें, नेक्स्ट लेक्चर में, देखते रहिए कैलम कॉमर्स, मिलते हैं हम, तब तक के लिए टाटा।